मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने बी और एफ लॉग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ लॉग एलिमेंट। इसमें सबसे पहला है थ्री डी सीरीज। स्केलियम से स्टार्ट होती है और तुमको ट्रिक भी बताई थी पहले, क्या थी? स्टार टीवी कर मन फिकर कोली, क्यों? क्योंकि हमारे घर क्या है? जिंक टीवी। स्टार टीवी कर मन फिकर कोली, क्योंकि हमारे घर क्या है? जिंक टीवी। यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s एंड 3d। यहाँ देखिए टोटल कितने हो गए, 2 + 2 = 4 + 6 = 10 + 2 = 12 + 6 = 18। 18 कौन सी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है? आर्गन का। यहाँ हम आर्गन लिख सकते हैं और इसकी जगह 18, ये सब में कॉमन रहेगा। ये स्टार्टिंग है, 11th में अपन ने ये सारा किया था। जो भी चेंज होगा वो मोस्टली डी में होगा और कुछ एक जगह एस में होगा। अब इसमें से अपने को एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि डी में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें से नंबर 4 और नंबर 9 को यहां से गायब करना है, यानी कि हटाना है अपने को। ठीक है, और रिपीट कौन होगा? रिपीट वही होगा जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होगा, यानी कि 5 रिपीट होगा और 10 रिपीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्थाई होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हटाना है। 1, 2, 3, 4 यहां से रिमूव हो गया तो क्या आ जाएगा? 5, और रिपीट क्या होगा? 5, इसके बाद 6, 7, 8, 9 रिमूव करना है तो यहां आ जाएगा 10 और 10। क्लियर, अब आप काउंट कीजिए, ये तो हो गया 18, 19 और चाहिए कितना? 21, तो यहाँ आ जाएगा 19 और 2 = 21, 18, 19, 20 चाहिए कितना? 22, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, 18, 19, 20, 21 चाहिए कितना? 23, यहाँ भी 2 आ जाएगा। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि ये इसका थोड़ा सा एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 24 और 5 कितना हो जाएगा? 18 और 5 कितना हो गया? 23, और चाहिए कितना? 24, तो बचा हुआ 1 यहीं पर आएगा। 25 लेकर के आना, तो 18 तो यहां तक हो गया और 5, 23 चाहिए कितना? 25, यहां आ जाएगा 2। सिमिलरली यहां पर भी 2, यहां भी 2, यहां 2, बताइए यहां कितना आएगा? 18 यहां पर है, 29 लेकर के आना है, 18 + 10 कितना हो गया? 28, और चाहिए कितना? 29, तो यहां आ जाएगा 1 और ये आ गया 2। तो वापस देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग
अपने को क्या क्या गायब करना था, फोर और नाइन इसमें से रिमूव करना था, डी में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको, और रिपीट किसको करना है, फाइव और टेन को। तो फाइव और टेन रिपीट हुए क्या, ये फाइव रिपीट हो गया और टेन रिपीट हो गया, क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके आईएमपी हो गया है। वैसे इलेवंथ में ज्यादा आईएमपी है, ट्वेल्थ में आपके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी काम में आएगा, तब इसको अपन देखेंगे। अब आप देखिए कि यहां पर एक सीक्वेंस देखें कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहां मैं लिख देता हूं 4s और यहां लिख देता हूं 3d। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन अपने को याद रखने हैं। देखिए सिंपल सी बात है, वो ट्रिक इसी में ही अप्लाई होगी। यहां लिखा हुआ है 21, तो आप इसको 21 लिख दीजिए, 22, 22, 23, 23 इसको छोड़ दीजिए, 25, 26, 27, 28 इसको छोड़ दीजिए, और ये आपके 2 और 10। तो पहली ट्रिक क्या थी, 4 और 9 यहां से अपने को रिमूव करना है। और एक ट्रिक और है कि जो आपको एटॉमिक नंबर याद है लगभग लगभग वो के वही रखने हैं, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ करके। इसमें आ जाएगा 1 और 5 और इसमें आ जाएगा 1 और 10। तो देखिए यहां पर भी 5 रिपीट हो गया है और यहां पर भी क्या हो गया है, 10 रिपीट हो गया है। तो इस तरह से आपके ये 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। अब अपन 4D ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहां देखिए इट्रियम से स्टार्ट होगा 39 और लास्ट केडमियम 48 तक ये 4D सीरीज है। 4D सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में ही एंटर करता है, इसलिए इसको 4D सीरीज हम कहते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s and 4d। यहां देखिए ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 plus 2, 4 plus 6, 10, 12, 18, 20, 30 and 36। 36 कौन सी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है बताइए, पहले क्या है था आर्गन, अब क्या आ जाएगा क्रिप्टॉन, ये तो आपके कॉमन रहेगा। इस ब्लॉक की ट्रिक है डी में से रिमूव करना आपको 3, 6 और 9, और रिपीट होगा 5, कितने बार रिपीट होगा,
दो बार, टेन कितनी बार रिपीट होगा, तीन बार। क्लियर। देखिए किस तरह से, वन टू थ्री रिमूव करना है, फोर फाइव फाइव सिक्स रिमूव करना है, सेवन एट नाइन रिमूव करना है, टेन टेन, और ये आपके कैडमियम का ये भी टेन। तो टिक के अकॉर्डिंग क्या है, थ्री सिक्स और नाइन तो यहां से रिमूव हो गया, थ्री सिक्स और नाइन रिमूव हो गया। इस लाइन में आपको नंबर थ्री नंबर सिक्स और नंबर नाइन इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। अब रिपीट में फाइव और टेन रिपीट होंगे, फाइव कितनी बार रिपीट होगा, दो बार, और टेन कितनी बार रिपीट होगा, तीन बार। अब आप नंबर वन इसको काउंट कीजिए, इसको काउंट कीजिए, और बचा हुआ आप इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर दीजिए, एस में काउंट कीजिए, 36 37 चाहिए, कितना 39, यहां कितना आ जाएगा 2, 36 37 38 कितना चाहिए 40, यहां भी आ जाएगा 2, 36 और 4 40 चाहिए कितना 1, तो यहां आ जाएगा 1। ये पहला एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट मॉलिब्डेनम 42, 36 और 5 कितना हो गया है 41, चाहिए कितना 42, तो यहां भी आ जाएगा 1। नेक्स्ट 36 एंड 5 कितना हो गया 41, चाहिए कितना 43, तो यहां आ जाएगा नंबर 2। 36 एंड 7 कितना हो जाएगा 43, चाहिए कितना 44, तो 43 एंड 1 कितना आ जाएगा 44। 45 लेकर के आना, तो 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44, चाहिए कितना 45, यहां आ जाएगा 1। 36 एंड 10 46 हो गया, तो अब यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। यहां देखिए 36 प्लस 10 कितना हो जाएगा 46, चाहिए कितना 47, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। और यहां देखिए 36 प्लस 10 कितना हो गया 46, कितना चाहिए 48, टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे 2। अब यहां पर कहां किस जगह एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अपवाद है, एक तो आ गया एनबी, एक एमओ, एक आरयू, आरएच, देन पीडी एंड एजी। सबसे ज्यादा एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें है, 4D ट्रांजिशन सीरीज में। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, फाइव एस एंड 4D। फाइव एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टू टू वन वन टू वन वन जीरो वन टू। डी में कितने आएंगे, वन टू फोर फाइव फाइव सेवन एट टेन टेन और टेन, टेन तीन बार रिपीट होगा। इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D सीरीज का कंप्लीट होगा। अब हम 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। 5D सीरीज स्टार्ट होता है लैंथेनम से। ट्रिक भी बता रखी है तुमको, ला हफ्ता वरी ओम सिंह ईश्वर से पिटकर आयो है जी, यानी मरकरी तक है ये।
57 और यहाँ एक गैप है जहाँ लेंथेनर्स आते हैं, कितने होते हैं लेंथेनर्स 14, 14 ऐड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 72, 73, 74, 75, 76, 7, 8, 9 एंड 80. वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स, फोर एस टू, थ्री डी टेन, फोर पी सिक्स, फाइव एस टू, फोर डी टेन, फाइव पी सिक्स, सिक्स एस, फोर एफ एंड फाइव डी. लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को ध्यान में रखना है, बाकी तो कॉमन ही रहेगा. देखिए यहां तक आप टोटल करोगे तो ज़ीनॉन जो इनर्ट गैस है वहां तक आ जाएगा और वो होता है 54. क्लियर? और ये सब में कॉमन रहेगा. यहां हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो यहां देखिए ये तो एफ लॉग तो यहां से स्टार्ट नहीं हुआ तो एफ में इस टाइम में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा नहीं. यहां 14 का गैप आ गया तो 14 इलेक्ट्रॉन सारे गए कहां है एफ में. ये 14 इलेक्ट्रॉन एफ में आ गए. अब रहा गेम डी और एस का ही रहा यानी 5d और 6s का. तो इसके लिए भी ट्रिक है, इसमें से केवल रिमूव करना है 8. क्लियर? और रिपीट क्या होगा, रिपीट होगा 10 टू टाइम्स. क्लियर? तो डी में अपन इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिमूव होगा 9, 10 एंड 10. बचा हुआ इसमें डालना है जैसे पहले अपन ने किया था एस में. टोटल कर लीजिए 54, 55 चाहिए कितना 57, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, 54, देन 14, 68 प्लस 2, 70 चाहिए कितना 72, तो यहाँ पर 2 चाहिए तो अपने 2 लिख दिए. इसी तरह से 54 एंड 14 एंड प्लस 3 का टोटल हो गया है आपके 71, यहाँ आ जाएगा 2, सिमिलरली 2, 2, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसलिए 2 आएगा. अब यहाँ देखिए 8 यहाँ से रिमूव हो रखा है तो यहां देखिए 54 प्लस 14 कितना हो गया 68, 68 प्लस 9 कितना हो गया 77, चाहिए कितना 78, यहां आ जाएगा 1. क्लियर? वापस देखिए 54 प्लस 14, 58 प्लस 10, 68, 68 एंड 9 कितना आ गया है 77, चाहिए कितना 78, इसलिए अपन ने यहां पर एक ही चाहिए तो यहाँ एक रख दिया है. यहाँ देखिए 79 चाहिए अपने को तो ये कितना आ गया 54 प्लस 14, 68 प्लस 10, 78 चाहिए कितना 79, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2. यहाँ एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्लेटिनम और गोल्ड ऑरम का. क्लियर? ये दोनों आईएमपी है. यहाँ इलेक्ट्रॉन वाइज पूछ लेते हैं भाई एस और डी में कितने होंगे, इसलिए ये भी ध्यान रखो.
केवल 6s और 5d का ही यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने को दिखना है। s 2 2 2 2 2 2 चेंज कहाँ हो रहा है? 78 में चेंज हो रहा है, 1 1 एंड 2। यहाँ 8 रिमूव करना है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रिमूव हो रहा तो क्या आ जाएगा 9, और 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम 10 एंड 10। यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 5d सीरीज का, क्लियर। अब हम इसके बाद करेंगे 6d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी कर लीजिए। एक्टिनम और रदरफोर्डियम के बीच में 14 का गैप है, तो कितना आ जाएगा? 14 ऐड करोगे तो 103 के बाद क्या आता है? 104। और ये कॉपर एनसीएम 112 आ गया है, एन है, स्मॉल एन। सेम वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s 5F और आपका आ गया यहाँ पर 6D, 5 है ये, 7S 5F 6D। यहाँ पर जो ट्रिक है वो रिमूव करना है 9, और रिपीट क्या होगा? 10 कितनी बार रिपीट होगा? 2 टाइम। सेम वही है, यहाँ कितने का गैप है? 14 का, यानी इस टाइम पे तो F में इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन का चले गए एक्टिनम सीरीज में, 5F सीरीज में। ये 14 पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब डी में से क्या रिमूव करना है? 9, बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिमूव करना है, इसलिए 10 कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 2 टाइम। इधर चेंज हुआ है वहीं अपने को ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पर क्या जाएगा? 2 चेंज का आ रहा है इस जगह। अब आप काउंट कर लीजिए, ये किसका होता है? रेड ऑन 86, रेड ऑन इनर्ट गैस है लास्ट वाले,
यहाँ देखिए 86, यहाँ तक अपन पहुंच गए थे, 86 प्लस 14 100 प्लस 10 यानी 110, चलिए कितना 111, यहाँ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ये बहुत इजी है और इतना ज्यादा आईएमपी भी नहीं है, बस इसमें से इतना अगर पूछते हैं भाई सुपर हेवी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो आफ्टर यूरेनियम जो होते हैं वो फिर इसमें से निकलेगा, एक्टिनियम सीरीज में से, इसमें से ज्यादा नहीं पूछते हैं। ठीक है, आपके 7s और ये 6d, ये मैं साइड में इसलिए लिखा हूँ बार बार कि कई बार पूछ लेते हैं कि भाई डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वैसे यदि ये आता है तुमको तो तुम एग्जाम में कर सकते हो, तुम्हारी बुक में या एनसीईआरटी में डायरेक्ट इस तरह से भी दिया हुआ है। वो इसलिए भी है कि तुमने 11th में इस पैटर्न से पढ़ लिया है तो 12th में डायरेक्ट इस तरह से भी दिया हुआ है। तो 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज मिला करके हमारा D ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम F सीरीज यानी कि F ब्लॉक एलिमेंट 4F एंड 5F यानी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। F ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के पहले हम इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं डी ब्लॉक का। देखिए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आया था, यहाँ आया था 3D 4s, यहाँ पर 4D 5s, 5D 6s और 6D 7s, ये लास्ट में आ रहे थे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, 1 to 10 और यहाँ आ रहे थे 0, 1 और 2, 0, 1 और 2 आ रहे थे। यहां पर भी ऐसा ही है, 1 to 10, 0, 1 और 2, 1 to 10, 0, 1 और 2, 1 to 10, 0, 1 and 2। तो इस बेस पर हम एक फार्मूला बना सकते हैं, n-1d 1 to 10 ns 0, 1 और 2। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं इसलिए मैंने बता दिया है, n-1d 1 to 10 ns 0, 1 और 2। यहां देखिए n-1 क्यों आ रहा है, इसलिए यहां देखिए आप ये 4 है, 4-1 क्या आ गया 3, 5-1 क्या आ गया d, 6-1 क्या आ गया 5 और 7-1 क्या आ गया d यानी 6d। तो यही है n की वैल्यू, ये यहां रखी है अपन ने, सपोज यहां अपन ने रखा 4s, तो यहां क्या आना चाहिए 4-1, ये आ गया 3d। यहां अपन ने रखा 5s, n की वैल्यू क्या पुट करी 5,
फाइव माइनस वन फोर डी, सिक्स यहाँ वैल्यू कंपोर्ट करते हैं सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव डी, और यहाँ वैल्यू एन की वैल्यू सेवन पुट करते हैं तो सेवन माइनस वन सिक्स डी। इसलिए आपको ये फार्मूला याद करना है। बात आ रही है वन टू टेन क्यों लिखा, क्योंकि डी में वन टू टेन तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात अलग है कि फाइव या टेन रिपीट होता है, लेकिन जनरल फार्मूला इसी तरह से लिखा जाता है। फिर हमने देखा एस में, यानी फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस, सेवन एस में हमने लास्ट जो चार टेबल्स करी थी उसमें कहीं पर जीरो आ रहा था, कहीं वन आ रहा था और कहीं पर टू आ रहा था। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, एन माइनस वन डी, वन टू टेन, एन एस जीरो, वन और टू। ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ है इस तरह का कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डी ब्लॉक के लिए। तो आपको ये याद करना।